अस्सलामुअलैकुम। अब हम इस लेक्चर के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की अंदर फिक्र की सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि फेल क्या है, काम क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि काम कब हुआ, और तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है या परफेक्शन है। तो हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पॉजिटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो क्या है। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं, और हैव के साथ हमेशा फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में जो है ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसकी एग्जांपल देते हैं। वो खाना खा चुका था। तो इस सेंटेंस को देखें गौर से कि वो खाना खा चुका था, इसमें काम क्या है, खाने खाने का, यानी कि खाना जो है खाया जो है, इसमें जो है इसमें वर्ब है, काम है, एक्शन है। और कब खाया, पास्ट के अंदर माजी के अंदर, वो खाना खा चुका था माजी के अंदर है, इसलिए ये क्या है पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि वो खाना खा चुका था कि मतलब उसने खाना कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, परफेक्शन हो गया, यानी कि जो खाने खाने का एक्शन था उसने वो कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। तो ये हमारे पास परफेक्ट टेंस बन जाता है, पास्ट परफेक्ट। अब हम इसी फिक्रे को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, वो खाना खा चुका था। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें ही जो है सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ईटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहां पे फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए या मनफी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फिक्रे को मनफी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है नॉट लगा देते हैं, तो वो मनफी फिक्रा बन जाता है। और फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के स्टार्ट के अंदर, यानी कि सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं, तो वो हमारे पास सवालिया फिक्रा बन जाता है। जैसे he had not eaten food, he had not eaten food, ये इसका नेगेटिव हो गया। इसी का हम बनाएंगे सवालिया, had he taken or eaten, had he eaten food, और आखिर में सवालिया निशान। अब इसी सेंटेंस का जो है हम सवालिया मनफी फिक्रा बनाएंगे, तो ये जो हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस है, इसी का ये हेल्पिंग वर्ब का उठा के हम स्टार्ट में आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा हैड ही नॉट ईटन फूड, ये इसका सवालिया मनफी फिक्रा बन गया। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि पहले तो हमने फिक्रे की पहचान की कि फिक्रा जो है किस टेंस का है। तो हमने देखा के काम जो हुआ था हमारा वो पास्ट के अंदर हुआ था और कंप्लीशन थी, और जिसकी वजह से वो परफेक्ट टेंस बन गया, और
फिर हमने जो है फिगरे को जो है स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। स्ट्रक्चर के बाद जो है हमने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो हमने लिखा किस तरीके से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।